हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताओ, मैं कॉलेज से तो घर आ गई लेकिन ना तो घर में पिताजी हैं ना तो भैया हैं, और क्या बताऊं, आज मेरा मन बगीचे में घूमने का कर रहा है। मन में ना जाने कैसा अजीब सा हो रहा है, लेकिन मैं कैसे बगीचे जा रही हूं। काले कवा तेरे मुँह बीच खंड पावा, गा रहा है। इसके गाने ने तो मेरा दिल जीत लिया। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, तेरा ही नाम छुपा कागे तेरा ही ना। अब तो आजा जितना ही जा रही हूं वो आवाज मुझसे दूर ही चली जा रही है।
चलती हूँ आगे, देखती हूँ। लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। मैं सांप काटने का बहाना करती हूँ, अगर वो सज्जन इधर से आएंगे तो मुझको जरूर देखेंगे। हाय दैया सांप 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 सांप। यार चले की आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ की, इसी लड़की का हो इसे उठाओ यार, क्या हुआ क्या इसे? कोई सका तू भैया का जो सांप सांप कहा था? सांप हाँ सांप ने इसे काट लिया है, देखते हैं। यार इसको सांप ने काट लिया है रामचरण। हाँ यार कैसे किया जाए बताओ? सांप ना ही काटे भाई तो बीच खोपड़ा काटे भाई। अबे बीच खोपड़ा काटा है या सांप काटा है तो जहरीले जानवर। हम कहाँ था ये? अरे हसत वो हो, हंस रही है। हाँ उठाओ इससे बातें करते, उठाओ। उठाता हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं समझ कम पा रहा हूँ और फिर मेरे शरीर से आगे चिपक गई, बिन न जान न पहचान। हाँ तुमने कहा गाना सुनाओ, चलो मैंने गाना सुना दिया। शरीर नापाक हो ये शरीर हमारे सबे का। अरे भाई पाक हो या नापाक इससे क्या मतलब है? ये लड़की अनजान है जिसे मैं जानता भी नहीं, आके मेरे शरीर से चिपक गई। वह बताइए तुम कहा था? बताओ। मैं आपके गाना से मैं आपसे प्यार कर बैठी हूँ मेरे राजा। मुझसे प्यार करती हो? हाँ। कौनो बढ़िया हम गाना याद के लिए का? हाँ गानो गाओ गाओ गाओ। हाँ भाई जब गाने से ही मोहब्बत हो रही है तो राम सरन तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, गाओ गाओ। याद है ना गा दे की। अबे कोई तो गाना जानता है। ए ये पागलपन बंद करो और तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तो ये समझ कर बात कराया कि कोई लड़की मुसीबत में है, उसकी जान खतरे में, लेकिन तुम तो एकदम पागल सी हो। देखने में ऐसा लगता है किसी अच्छे घराने की लड़की हो, और चरित्र तो तुम्हारे बिल्कुल नहीं ठीक है भाई। बताओ। देखो जी मुझको जहाँ जाना था मैं पहुंच गई, और जिससे मिलना था मैं मिल भी गई। बस मैं जो कह रही हूँ आप मेरी बात मान जाओ। तुम्हारी बातों से इनकार है इनकार है इनकार है। अरे न जान न पहचान, जबरदस्ती की बात कर रही हो? पूछा आके? अरे तुम क्यों बता रहे हो मुझे? मैं इतना नहीं जानता कि मैं पूछ लूंगा तुमसे, क्या मतलब मैं इसके बारे में क्यों पूछूं? हाँ कि मैं तुम कौन हो कहाँ के रहो, इससे क्या लेना देना मुझको? चलो अरे रजाऊ मान जाना, काहे बरे इतना खापा होता है? मान जाना हमार सुग्गा। हाँ आवा तोता। अरे तो पागलों जैसी बात कर रही है लड़की। देखो देखो ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। सबसे पहले मुझसे धोखा हुआ कि मैं यहाँ पर चला आया, लेकिन तुम एकदम ठीक ठाक हो, बाली उम्र है तुम्हारी, तुम नादान हो, इस बारे में तुम कुछ जानती नहीं हो कि प्यार किया किससे जाता है। अरे मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है, दाने दाने का मोहताज हूं, हालात ऐसे कि फटे पुराने कपड़े पहन के टहल रहा हूं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता हूं, और तुम तो एक बड़े घराने की लड़की हो और फिर मुझसे मोहब्बत करना चाहती हो, ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई। बताओ। देखो मैं ये सब नहीं जानती, पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ सुना। साफ का बीस उतरा
अकेले बियाबान में इस तरह से न जाओ हमारे देखो मेरे राजा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं आपसे प्यार कर ली तो कर ली, और आप क्या कह रहे हो, मैं गरीब हूँ। प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता है, प्यार तो पहले मेरी बात सुनो देवी जी, लग जाता है। पहले मेरी बात सुनो। बोलिए। इस तरह की बातें आए देवी जी करो, ऐसी बातें तुम्हें करना नहीं चाहिए। एक भिखारी किनारा राज रानी बनो, एक भिखारी किनारा राज रानी। अरे भैया, इसमें कोई जबरदस्ती का प्यार नहीं होता है, और ना ही मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हालात बहुत खराब है। मुझे इस वक्त जाना है, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ मैं। जबरदस्ती प्यार नहीं होता भाई? नहीं। देखा माँ सुग्गा, हाँ? अगर हमार बात मान जावे ना, हाँ? तो तुहार गरीबी दूर हो जाए। अगर तुम्हारी बात को मान लूंगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, लेकिन कैसे? अरे ऐसे गरीबी दूर होगी, मैं अपने पिताजी के पास तुमको ले चलूंगी। ललका कार्ड बनवा दी है। हाँ हाँ, ललके कार्ड से तो गरीबी दूर होता। अच्छा, बीच में मत बोला करो। अच्छा तुम एक बात बताओ, चलिए मेरे पिताजी के पास और मैं आपको नौकरी दिला दूंगी और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। पहले ये बताओ तुम्हारे पिताजी हैं कौन, बताओ। मेरे पिताजी का नाम, हाँ हाँ, जानना चाहते? जी हाँ, जरूर जानना चाहता हूँ। राय बहादुर सिंह है। अच्छा, हाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो ऊषा है। इनका नाम ऊषा, पिता का नाम राय बहादुर सिंह। हाँ, घर में मेरे भैया हैं, उनका नाम विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। राम शरण, इधर आ। अबे तो मेरे दुश्मन की बेटी है बे। तब मान जा, दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करूंगा मैं? हम कहा था अगर प्यार कर ले भैया। हाँ। अगर प्यार आप कर लेते हैं है? इसी लड़की के जरिए आप इसके हवेली तक पहुंच सकते हैं। हवेली में पहुंच करके इसके बाप के गृह बाल में हाथ भी लगा सकते हैं। सब बात तो ठीक है यार, आपकी ठीक है, और ये लड़की देखने में भी खूबसूरत है। अच्छी तो लागत भी करबई, का करी हम? नहीं तो अजी को तो करा भाई, का करा चाहता है? अच्छी तो होकर लागत, हमको थोड़ी अच्छी लागत भी। ठीक, हम सर जी देखिए इधर आइए, आइए छू छाइए। और आप जानना चाहते हैं मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? हाँ हाँ बताओ। मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। उदयन, ठीक है, उदयनपुर के आई हो? मैं समझ रहा हूँ कि मेरे ही क्षेत्र की रहने वाली हो। अच्छा, तुम्हारा मौजा उदयपुर लगता है? जी हाँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको तो नहीं देखी राजा। अरे हमें कहाँ देख पाओगी, मैं तो सिर्फ कामों में बिजी रहता हूँ। अच्छा, अब तुम्हें भी मैं पहली बार देखा, क्योंकि मैं भी उदयपुर का रहने वाला हूँ। क्या? हाँ हाँ, मेरा नाम उदयपुर की रहने वाली, मंगल नाम है मेरा। कितना प्यारा आपका नाम है। अरे भाई बहुत ही प्यारा नाम है, लेकिन तुमसे अच्छा नाम तो नहीं कि भाई? क्या नाम होता है? इनका नाम मंगल सिंह है। हाँ। हमारा नाम बुद्ध सिंह है। तुम्हारा नाम कौन पूछ रहा है? उनको बता दे, ये मंगल ग्रह है, बुद्ध ग्रह है। ये सारे ग्रह साथ में लेके आ रहे हैं। सुनो मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बोलिए ना। ए ऊषा,
पल्लू जाग, अरे उड़ान मारे लाग। अच्छा हे उड़ान मारे लाग, रही रही धड़ के करे जा हमरा जान मारे। चल मत वाली के तनिल का घायल कैली होठवा, ओ सही धराओ क्या कमर बल खा के चलू चल मत सुईने क्यों कि नहीं हो दिए आप किलो आप कदरा किलो बताओ भाई करीब जहां 100 किलो होई वहां 50 ही बताए। देखो उषा जी हमारी तुमसे तो मोहब्बत हो गई, एक बात ये बताओ अब कब हमसे मिलोगी तुम ये बताओ। कब मिलबू आप जब कहो तब मैं चली आऊंगा। आओ चल साथे फिर। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चूंकि मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूं तुम्हारा चेहरा हमारे नजरों से एक पल के लिए दूर नहीं होगा। अरे भाई बीच बीच में नहीं मिलेंगे तो भला हम कैसे रह पाएंगे बताओ। तब पूरा तिवरा भुलाई जाब। कौन तिवरा बे? कहां रखई बकौड़ी से भुलाई जाब। ऐसा कर प्यार तो कह ली है। तू प्यार में फंस गया। अच्छा तू हम कहां फंसे? तू चला जा कहूं फंस जा रहा है। प्यार करबे ना करब ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। देखो काम की बात कर रहा है उषा जी, बताओ ना भाई कब मुलाकात करोगी? हो सकत है कुछ कहना चाहती हो क्या? जिया मेरा जो राजा जी कावा करा हमारा गुस्सा लगा था। क्या बात है बे? राजा मुशहरा का दिया तू मुशहरा या का? राजा मुशहरा को नहीं कहा जाता है। अबे उसका नाम होगा जो मुशहरा होगा उसका नाम होगा। नाम हो तो नहीं ऐसी बात नहीं है। बोलिए ए हमार सैया बोलो ना कहो क्या कहना चाहते हो? तू जात तो बाटिया लेकिन हमारे याद आए कि ना आए हो? अरे अरे क्यों नहीं भाई बार बार तुम्हारी याद आएगी। हमार बात सुना हमार सुनगा सुनाओ। प्यारी के कागज पे दिल की कलम से प्यारी के कागज पे दिल की कलम से
लिखे कलम से विक्रम सिंह को मैंने भेजा कि जाकर के अपने चाचा शेर सिंह को संदेशा दे दो कि पिताजी ने हवेली में याद किया, लेकिन मैं देख के आ रहा हूं कि अभी तक शेर सिंह आया नहीं। मैं उसका इंतजार करता हूं। आ यहां साहिब। मुझे क्या मालूम, जहां मुझसे मुलाकात नहीं होगी हम जानेंगे क्या। मैं इंतजार करता हूं। इंतजार कर ले, बैठे। कौन हो भाई? हमें नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय राम जी की। जय राम जी। जय हिंद। जय हिंद। जय गोपाल। ताले जूता तो गाल का ही देव लाल, बदतमीज नहीं। एक बार कर जय हिंद नमस्ते जय गोपाल। कब कोई आई है यहाँ? अभी चला रहा हूँ। इना ही कि बहुत दिन के बाद आप आवत है ना। हाँ, हम का जितना छुटा रहा उतना नमस्ते कह लिए इकट्ठे। यानी सब कसर एक कई दिन में। तब एक बात बताओ, मेरा दोस्त किस हाल में, कैसे है और कहाँ है? हाल तो बढ़िया है। चल, मुझे बड़ी बेकरारी अपने दोस्त से मिलने की। आप साथ में चलेंगे? आइए। अरे दोस्त तुमन, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। यार इतने दिनों के बाद मिले, तुझे खुश होना चाहिए। और मैं क्या देख रहा हूं कि तेरा चेहरा उतरा है। क्या मेरे आने से तुझे खुशी नहीं मिली? नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं। तू बैठ जा, पहले बैठ जा तो मैं तुझसे बात करूं। बजाऊं अरे कहीं भी तेरा
दुश्मन छुपा है ढूंढ जल्द मैं। तेरी बातों को माना है और आज भी मानूंगा। बात क्या है, दिल खोल के बोलो ना। सुनो दोस्त, मैं बताता हूं। क्या बताऊं सब भी दोस्त मनी आप से, क्या बताऊं। अरे प्यान है दुश्मन हमारा, अरे मंगल सिंह है इसलिए दिल मेरा परेशान है। दोस्त भाई, एक मेरा पुराना दोस्त मन दुश्मन है, जो कि वो ससुरा एक दिन की बात है मुझे डंडों से मारा है। अरे बाप रे, वो हमारा दुश्मन है, उसे जिंदा या मुर्दा मेरे हवाले कर दे, बस इतनी बात है। ओके बाजी बताओ। मंगल नाम है। मंगल सिंह। अरे बाप रे, बहुत मारेगा। दोस्त मन उम्मीद करता हूँ दोस्ती को निभाऊं, अरे पाली भात से पीठ को ना दिखाऊं मेरे दोस्त मन। जो रहने वाला सारा ठीक है, अभी बताता हूँ। यार रामचरण, इनके इलाके का है किसी बाहरी इलाके का है? ओके बाजी का भैया, क्यों ऐसी मार मारे बात ऐसा मार दी बहनहू का, हमका तो मरबे हो बहनहू का मार देस। क्या बात कर रहा है यार, कई जगह मारे से करिया हुई है वाह, ओकी सांसे नहीं आवे दिव्या। बाप रे, बोलो दोस्त मन। दोस्त मंगल सिंह को जिंदा या मुर्दा मेरे हवाले कर दो, बस। कहाँ का रहने वाला है मंगलवा? राम शरण को साथ में लेकर जाओ, इसने उसका घर देखा। हाँ भैया, हमका पोता है। तुमको पोता है, यानी तुमको भी ज्यादा मार दिया है। जबान काम नहीं कर रही है, तुमको पता है? हाँ पता है, पता है। वो कहाँ रहता है जानते हो? हाँ, गौना की निकरवा को कहती है बा। यार यही का रहने वाला है, यही है यार। फिर भी इनको मारा, तुमको मारा। अरे इनका मार एक बार उसकी शकल दिखता। इनका इनका मार ठीक दे, मौका मार देस ना। अच्छा उनका मार सका तो का नहीं मार तो भाई, तोरे रिश्ते में है का कौन? उन जमींदार रहे हैं। हम इनके नौकर है, कोई काम बिगाड़े रहे जो बना बिगाड़ तो नहीं रहने। सेठ जी, सेठ जी, इससे बकवास साले से मत करो, बहुत बदतमीजी बोलता है। चल चल इसी वक्त चलते हैं मंगलवा के। अरे आगे तू चलेगा, चल आगे।